ये है दिल्ली दर्पण दिल्ली एनसीआर का नंबर वन वेब चैनल। दिखता है एक साया और महिलाएं हो जाती हैं बेहोश। होश में आने के बाद कटी हुई मिलती है चोटियां। जी हां, ये कोई भूतिया कहानी या फिर फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि ये आज के आधुनिक समय की हकीकत है। करीब एक महीने पहले सोशल मीडिया पर चली खबरों के मुताबिक अभी तक केवल राजस्थान में इस तरह की घटनाएं सामने आ रही थी कि महिलाओं की चोटियां अपने आप कट रही हैं। लेकिन अब देश की राजधानी दिल्ली में पिछले चार दिनों से लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। हम बात कर रहे हैं साइबर सिटी गुरुग्राम की, जहां पर शुक्रवार रात से शुरू हुआ ये मामला अभी भी बदस्तूर जारी है। दरअसल पहला मामला शुक्रवार को रात करीब 10 बजे भीमगढ़ खेड़ी इलाके से आया, जहां पर लगभग 50 वर्षीय महिला सुनीता देवी अपने घर में काम कर रही थी और वो अचानक बेहोश हो गई, जिसके बाद उसे उसकी चोटी कटी हुई मिली। होश में आने के बाद सुनीता ने जो बोला वो भी चौंकाने वाला था। कौन बाबा था? क्या हुआ था आपके साथ? आपको मैं काम कर रही थी तो मैं जी घबरा रहा था, तो जब मैं गेट बंद करने गई तो मेरे धक्को मारो, फिर वो अंदर घुस गए। अभी इस मामले को 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि शनिवार रात करीब 9 बजे पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि उसी इलाके में एक महिला की चोटी और कट गई। पता कितने बजे? 5:30 बजे से। कैसे, क्या किसी ने बताया या आपको आपने देखा? मैंने देखा। क्या चोटी आपके साथ में पड़ी थी कट के या पास में पड़ी? तो आपने कटे हुए बाल देखे अपने? फिर आपने चेक किया? फिर उसके बाद क्या किया आपने? उसके बाद नहीं पता, उसके बाद तो मैं गुजरा। चोटी तो बेड पे थी। इन दोनों घटनाओं के बाद गुरुग्राम के ही देवीलाल कॉलोनी में रविवार रात भी इस तरह की एक और घटना सामने आई, जहां रात को सोते हुए एक महिला की चोटी कट गई। परिजनों का दावा है कि रात में खिड़की से एक बिल्ली जरूर आई थी और फिर अचानक वो एक औरत बन गई जिसने महिला के बाल काट दिए। गुरुग्राम में इस तरह की कई घटनाएं हो गई, ऐसे में पुलिस के पास भी कई शिकायतें की गई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के संज्ञान में दो मामले आए हैं, दोनों मामले ही पुलिस स्टेशन सेक्टर 5 के अंदर भीमगढ़ खेड़ी एक गांव पड़ता है। दोनों इंसिडेंट्स वहीं की हैं। एक तो शुक्रवार की रात को श्रीमती सुनीता, जिनकी उम्र करीब 50 साल की है, उन्होंने वो अपने घर के अंदर ही लेटी हुई थी, तो रात के करीब 10 बजे शुक्रवार को उनको कोई एकदम से कोई, जैसा कि उन्होंने अपने कंप्लेंट में मेंशन किया है कि उनको कोई एक ओल्ड एज सा आदमी दिखाई दिया, और जिसके बाद वो कुछ टाइम बाद ही डिसअपीयर हो गया और उसके बाद उसको देखा कि उसकी चोटी कटी हुई थी। दिल्ली दर्पण के लिए गुरुग्राम से मोहित कुमार की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, Facebook पेज को लाइक करें या लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। दिल्ली दर्पण टीवी पर खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर